पर मौजूद है हमारे शहीद अपने फेवरेट राजेंद्र सर, आपने की कांतारा फिल्म कन्नड़ सिनेमा का एक बहुत बढ़िया फिल्म आई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया मूवी है और मतलब मैंने हर पल इसका एंजॉय किया, स्पेशली तो जो लास्ट 30 मिनट थे कांतारा के, वो मतलब कन्नड़ा सिनेमा इज़ बैक अलॉन्ग विद तेलुगु सिनेमा, तो जो लास्ट का क्लाइमैक्स था वो बहुत ही दिल दहलाने वाला था और हॉरर सीन्स भी बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं, तो मुझे मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये साउथ इंडियन ऑडियंस ही नहीं, मतलब पैन इंडिया में ये मूवी चलेगी और ऑलरेडी सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं, तो मैं बधाई देना चाहूँगा इसके डायरेक्टर को, इसके एक्टर्स को, और ऋषभ जिन्होंने स्टोरी लिखी है, डायरेक्ट किया है और एक्ट किया है, आई थिंक उनका टैलेंट, उनकी क्रिएटिविटी, उनका विजन इज़ जस्ट बियॉन्ड, मतलब वी कैन नॉट इवन यू नो डिस्क्राइब व्हाट हिज विजन इज़ ऑल अबाउट। जिस तरह उन्होंने एनविजन किया, पोर्ट्रे किया सब कुछ सेलुलॉइड पे, इट इज़ पावर एक्सेलेंस, मतलब उनका ब्रिलियंस दिखता है उसमें। पहले मुझे कांतारा का मतलब ही नहीं पता था कि वो मिस्ट्री फॉरेस्ट है और वहाँ पे मिस्टीरियस डेथ्स होती हैं, लेकिन मुझे लास्ट का जो क्लाइमेक्स था ना, जिसमें वो अवतार में आ जाते हैं और एक्सप्रेशंस देते हैं और जिस तरह की वो सीन्स थे दिल दहलाने वाले, कि बहुत लोग वो हॉरर सीन्स देख के डर गए और बहुत लोगों ने, मतलब वो इस तरह का हमने पहली बार बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, मतलब पहली बार इस तरह का हमने देखा, तो मुझे तो लगता है ये नेशनल अवार्ड नहीं, इसको ऑस्कर मिलना चाहिए मूवी को। रियली? डेफिनेटली। अच्छा सर, मुझे ये बताइए फिल्म में जैसे बाकी और स्टार कास्ट थे, उनके बारे में पहले कुछ बता सके या फिर टेक्निकल पर्सपेक्टिव बता सके? सबसे पहले तो मैं ऋषभ शेट्टी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्म लिखी, डायरेक्ट की और एक्ट किया उसमें, मतलब पहले रक्षित शेट्टी में 4777 में कमाल कर दिया और अब ये, मतलब ये क्या है, SS राजामौली तो गॉड है, मतलब डायरेक्शन के, उनसे किसी ने एक बार पूछा भी था कि आपको बॉलीवुड में SS राजामौली को कोई डायरेक्टर लगता है आपके लेवल का, उन्होंने बोला नहीं, तो ये उनका कॉन्फिडेंस है, उनकी क्रिएटिविटी है, ये जितने भी साउथ इंडियन डायरेक्टर्स से अपकमिंग, तो सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा, लोग उनकी 1000 करोड़ 1500 करोड़, ये क्या बिजनेस है सोचिए, इंग्लिश मूवीज़ भी इतना बिजनेस नहीं करती। मुझे स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लगा जो बांधे रखता है शुरू से लेकर एंड तक, एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है, कहीं भी कुछ टाइम नहीं वेस्ट किया और कोई भी सीन ऐसे बोरिंग नहीं है, शुरू में वो बिल्डअप किया और वो गांव का वो जो सब सेटअप है कितना नेचुरल लगता है, बिल्कुल मतलब सीमलेस, जैसे नदी बह रही है ना वैसे, इतने ब्यूटीफुल सीन्स, माँ जैसे उनको डांटती है, फटकारती है, यू कैन रिलेट टू इट, यू नो, बहुत ही अच्छा, मतलब गूज़बम्प्स, और जब सेकेंड हाफ में थे तो गूज़बम्प्स वाले सीन थे, स्पेशली जैसे मैंने कहा क्लाइमैक्स में यू विल गेट गूज़बम्प्स, मतलब वो लास्ट 15-20 मिनट्स तो मतलब अद्भुत। टेल मी अबाउट बी अजीश लोकनाथ म्यूजिक, BGM तो मतलब मैं तो उनको फिर से बधाई देना चाहूँगा, बैकग्राउंड स्कोर, मतलब मूवी स्कैरी है, हॉरीफाइंग है, उसके साथ अगर बैकग्राउंड स्कोर सही हो तो फिर और ज़्यादा मज़ा आ जाता है, तो 4 चांद लग गए बैकग्राउंड स्कोर की वजह से मेरी। आई थिंक मैंने पहले भी कहा है कि इसको 5 out of 5 रेटिंग किया, इसको यूनिवर्स के स्टार्स भी कम पड़ेंगे, क्योंकि कन्नड़ सिनेमा इतना उभर के आ रहा है, इट्स ग्रोइंग बाई लीप्स एंड बाउंड, कन्नड़ सिनेमा हो, तेलुगु सिनेमा हो, ऐसे ऐसे मतलब एक्शन सीन्स शूट करना, हॉरर सीन, मतलब हॉरर में एक न्यू जॉनर ले आए कांतारा के साथ, तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और ये मूवी बहुत बड़े लेवल पे चलेगी और लोगों को पसंद आएगी और पसंद आ रही है और ये न्यू बेंचमार्क सेट किया है इसने सिनेमा में। डेफिनेटली अभी तो सबटाइटल्स के साथ लोग देख रहे हैं तो हिंदी में डब होके आएगी तो लोग और ज़्यादा यू नो पसंद करेंगे और पैन इंडिया में और ज़्यादा कामयाब होगी। ऑलरेडी ये फिल्म ने 20 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, विच इज़ कमेंडेबल, यू नो इट्स अ बिग माइलस्टोन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू